नगर निगम में विभिन्न कार्यों के लिए रखे गए आउटसोर्सिंग के माध्यम से चालकों का वेतन पिछले 7 महीने से रुका था। वेतन ना मिलने से लगभग 212 चालकों की पारिवारिक स्थिति दयनीय बनी थी। शनिवार को आउटसोर्सिंग के चालकों का सब्र टूटा और दोपहर बाद ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्टोर रूम के समक्ष धरने पर बैठ गए। चालकों के धरने की सूचना जब नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित ठेकेदार से संपर्क किया और आवश्यक कार्यवाही पूरी कर भुगतान के निर्देश दिए। धरने में चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के महामंत्री शक्ति प्रकाश मिश्रा, दिनेश यादव, श्रवण दुबे, प्रभुनाथ ऋषु सिंह सहित आउटसोर्सिंग और नगर निगम के स्थायी चालक शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वयक समिति के संरक्षक कौशल कुमार शुक्ल और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा। कौशल कुमार शुक्ल, संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति। नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 7 महीने से नहीं मिला है, जिसको लेकर के नगर निगम के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी 3 महीने से आंदोलनरत हैं और जिसके क्रम में 2-3 बार हम लोग ज्ञापन दिए, 2-3 बार यहाँ पर 1 घंटे गाड़ी रोका गया। अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि 2 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, 3 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इधर नगर आयुक्त महोदय को हम धन्यवाद देंगे कि उनके प्रयास से उन्होंने कल जो है सैंक्शन किया है उस पर फाइल पर, और कर्मचारियों का वेतन ये ब्रजेश यादव, एक संजय ट्रेडर्स फर्म पर उन्होंने 132 कर्मचारियों का वेतन उन्होंने जो है 3 महीने का वेतन भुगतान उन्होंने किया है, और अभी कर्मचारियों खाते में पैसा नहीं गया। संबंधित ठेकेदार द्वारा सभी ड्राइवरों को यह कल सूचना दे दी गई थी कि आज जो है नगर निगम महवा स्टोर में सभी ड्राइवर जब वापस आएंगे तो एक मीटिंग होगी, तो आज अपने वादे के अनुसार सभी ड्राइवर यहां पर आए और ठेकेदार महोदय भी आए, उनके साथ 2-3 लोग और आए हुए थे। उनके द्वारा यह रखा गया एक प्रस्ताव कि 8 लाख रुपये मेरे ऊपर PF कमिश्नर के वहाँ से PF कार्यालय से मेरे ऊपर पेनाल्टी लगी हुई है, इसलिए 8 लाख रुपये मैनेज करना है, आप सब लोग कर्मचारी भी आप लोग मैनेज कर लीजिए। कर्मचारियों ने आपत्ति किया कि हम लोग के प्रतिनिधित्व करते हैं कौशल कुमार शुक्ला जी, उनको आप बुलाइए, वो आएंगे, जो निर्णय होगा आप लोग हम लोग करेंगे। तो हमको बुलाया गया। उसके बाद हम जब आए यहाँ पर, ठेकेदार से हमारी वार्ता हुई तो मैंने तुरंत नगर आयुक्त से वार्ता किया। नगर आयुक्त महोदय तुरंत नाराज़ हुए कि किसी भी ठेकेदार को 8 लाख रुपये कहाँ से उसको लग गया पेनाल्टी, झूठ बोल रहा है वो। तो वो ये सुनते ही ठेकेदार महोदय यहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए यहाँ से। तब कर्मचारियों आक्रोशित होकर के वो जाम करने की बात हो रही थी, लेवा नहीं, हम लोग धरने बैठे हुए हैं। और बाद में नगर आयुक्त महोदय फ़ोन किए, लेखाधिकारी महोदय फ़ोन किए, वहाँ पर हमको वेतन कैसे मिले होली से पहले इस पर मीटिंग चल रही है। अब अभी कुछ देर निर्णय होने के बाद जब हमारे वहाँ कोई सक्षम अधिकारी आकर के हमको सूचित करेगा तभी अपना धरना वापस करेंगे। काम लोग आज सब लोग ड्यूटी करके आए हैं, 2-3 बजे सब लोग ड्यूटी करके वापस आ गए थे, इसलिए 3 बजे मीटिंग बुलाई गई थी। ये महवा स्टोर पर मीटिंग यहाँ पर लोग किए हैं, आज यहाँ धरने पर लोग बैठे हुए हैं। सोर्सिंग के ड्राइवर्स की सैलरी न मिलने का एक कारण ये था कि जिस कंपनी से आउटसोर्सिंग जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर था उसका एग्रीमेंट सितंबर माह में समाप्त हो गया, उसके बाद किसी वजह से एग्रीमेंट न रिन्यूअल हुआ, हमने टेंडर प्रकाशित किया जैसा मुझे बताया गया है, लेकिन किसी ने इच्छा नहीं जताई और कोई आया नहीं टेंडर इन्वाइट करने पर। यहाँ पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने और हमने मिलकर प्रयास किया और कि जल्दी से जल्दी इनका वेतन दिया जाए। वेतन इनका दे दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। सर्विस प्रोवाइडर को कोई थोड़ी आशंका थी, गलतफहमी हो गई थी कुछ कि उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो उनको बुला के बता दिया गया है, वो संतुष्ट हैं, कल इनके खाते में प्रत्येक दशा में वेतन पहुंच जाएगा, इसमें कोई कहीं तरह किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। और बहुत जल्दी प्रयास करके जितना जल्दी हो सकता था यथाशीघ्र उनका वेतन दिया गया है और इससे ड्राइवर्स भी संतुष्ट हैं, उनको भी कुछ गलतफहमी हो गई थी तो अब कोई समस्या नहीं है।